1 मिनट, हाँ जी आप जरा बताइए बाइबल उठा के कौन कौन तैयार है, क्योंकि मैं भी तैयार हूं। सब तैयार हैं? ओके आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस सत्संग के लिए, और जो धन्यवाद की प्रभु गवाहियां हमने सुनी उन बातों के लिए आपका धन्यवाद। हम सब इकट्ठे हो पाए उसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं, आपने हमें नहीं छोड़ा है, आप हमें नहीं छोड़ेंगे, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कि चाहे हमारे आसपास की परिस्थितियां और हालात चाहे जो भी हो, हम इस बात पर हमेशा यकीन कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता और हमारा मुक्तिदाता हमारे साथ है। प्यारे प्रभु जी, इस सत्संग में आप अपनी आशीष हर एक अटेंड करने वाले को, हर एक जन जो आपके वचन को सुनता है, उसके ऊपर, उसके आत्मा में, उसके अंदर, उसके परिवार में आपकी शांति और प्रभु जी आपकी आशीष उनको मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। और अभी हम आपका वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, आपका वचन हमारी जिंदगियों से बात करे, आपका वचन हम प्रभु जी हमारे हालातों में बात करे, आपका वचन हमें आपकी इच्छा को जाहिर करे, हम प्रार्थना करते हैं। और ये सब कुछ हम मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस संसार में हर कोई महान होना चाहता है। अगर हम कहीं पे पूछे, हाँ जी आप में से कौन है जो बड़ा बनना चाहता है, बच्चों से पूछते हैं कि आप अगर बड़ा बनना चाहते हो, सारे बच्चे अपना हाथ उठाएंगे और हम कुछ बनना चाहते हैं। अगर हम नौजवानों से बात करें, हाँ जी आप में से कौन है जो बड़ा आदमी बनना चाहता है, ग्रेट महान बनना चाहता है, हर कोई अपना हाथ ऊपर उठाएगा। इस संसार में इनफैक्ट हर कोई महान होना चाहता है, ये सत्य है। लेकिन संसार के अनुसार महानता क्या है, संसार दुनिया के अनुसार महानता क्या होती है? विकिपीडिया है, एक इंटरनेट मैंने पढ़ा था, और वहां पे लिखा है कि महानता की परिभाषा ये है, जब आप दूसरों से श्रेष्ठ हो जाते हो। ग्रेटनेस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट ऑफ सुपीरियोरिटी, मतलब आप महान तब हैं जब आप दूसरों से बेहतर हैं, जब आप महान तब हैं जब आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन सो आई कैन शेयर द पावर पॉइंट फॉर टूडे। महानता कहा जाता है कि जब आप दूसरों से बेहतर हो, जब आप दूसरों से ऊपर हो, जब आप दूसरों से श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठता को महानता से जोड़कर देखा जाता है। इस संसार में आप महान तब हो जब आप एक बहुत जानी मानी हस्ती हो, आपको सब लोग अच्छे से जानते हैं, आपने बहुत कुछ जिंदगी में कामयाबी हासिल की है, आपने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश किया है, तब आप महान हो। संसार के अनुसार आप महान तब हो जब आपके पास बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे टैलेंट हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, तब आप महान बन सकते हो। आप महान व्यक्ति तब हो जब सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, जब सब लोग आपकी सेवा करते हैं, जब सब लोग आपको आदर सम्मान देते हैं, जब आपका ऊंचा रुतबा है, ऊंची पदवी है, तब आप महान गिने जाते हो। मतलब संसार के अनुसार वही महान हो सकता है जो सबसे ऊपर है, जो श्रेष्ठ है। ऊपर की श्रेणी के लोगों को महान कहा जाता है। और जब से पाप इस दुनिया में आया, तब से लोग इसी प्रकार की महानता के पीछे जाते हैं। अगर आप में से तकरीबन सबने उत्पत्ति की किताब को पढ़ा होगा, बाइबल की पहली किताब, उसमें आप सबने पढ़ा होगा कि किस प्रकार लोगों ने बाबुल की इमारत को खड़ा करने के लिए अपनी सारी मेहनत उन्होंने लगा दी। वो क्या था, बाबुल का जो टावर था उसके द्वारा इंसान क्या करना चाहता था, अपने लिए नाम कमाना चाहता था, अपने लिए शोहरत कमाना चाहता था, संसार की नजरों में महान होना चाहता था। जब से पाप इस दुनिया में आया है, तब से लोग बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, महान होना चाहते हैं, अपने लिए नाम और अपने लिए शोहरत कमाना चाहते हैं। यीशु मसीह के टाइम में भी ऐसा ही था कि जब से पाप दुनिया में आया है, तब से हम इस चीज को ऐसा ही होते देखते हैं। तब से इस दुनिया में ऐसा होते आ रहा है कि लोग महानता को हासिल करना चाहते हैं। सबकी इच्छा है कि वो बड़ा नाम कमाए। I still cannot share my screen for some reason. एक सेकेंड, ओके। तो हर कोई महान बनना चाहता है, और दुनिया के अनुसार, दुनिया जिसको महान बोलती है, उस प्रकार की महानता इंसान हासिल करना चाहता है। दुनिया के शुरुआत से ऐसा है, यीशु मसीह के टाइम में भी ऐसा ही था।
यीशु मसीह एक बार किसी के यहाँ पे भोजन करने के लिए की बड़ा प्रोग्राम था और वहां पे लिखा है कि यीशु ने देखा कि जो मेहमान लोग हैं अपने लिए बैठने को कोई सम्मानपूर्ण स्थान खोज रहे थे। किसी पार्टी में 300-400 लोग आए हुए थे और लोग अपने लिए बैठने के लिए सबसे ऊंची जगह ढूंढ रहे थे, जो महान जगह है उसको ढूंढ रहे थे। मेरी स्क्रीन पर क्या लिखा है? कोई बात नहीं। ओके, तो लोग अपने लिए सम्मानपूर्ण स्थान खोज रहे थे। मतलब यीशु के टाइम पे भी ऐसा था कि लोग संसारिक सम्मान चाहते थे, संसारिक नजरों में महान होना चाहते थे। और आज के जमाने में भी ऐसा ही है कि लोग संसार के अनुसार जो महानता है उसको हासिल करना चाहते हैं। सोशल स्टेटस, समाज में रुतबा होना चाहिए, नाम बड़ा होना चाहिए, सब लोग मुझे जानना चाहिए, सबको पता होना चाहिए मैं कितनी बड़ी हस्ती हूं। और इस प्रकार लोग आज के जमाने में भी दुनिया के अनुसार कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं और नहीं जानते कि ऐसी कामयाबी हमें कभी भी अंदर से संतुष्ट नहीं कर सकती। आज मैं 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक थोड़ा रेस्ट किया और 5 बजे जैसे ही मैं उठा और उठते साथ आज खबर मिली शाम को 5 बजे कि एक बहुत बड़े अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने अपने मुंबई के घर में आत्महत्या कर ली है। 34 साल की उम्र का नौजवान, बहुत तरक्की हासिल किया हुआ, बहुत सारे टीवी सीरियल में, बहुत सारी पिक्चर्स में काम किया हुआ, छिछोरे पिक्चर और बहुत सारी पिक्चर्स में नाम कमाने वाला व्यक्ति, 34 साल की उम्र में महान हो चुका था, छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमा चुका था, लेकिन संतुष्टि नहीं, उसको अंदर से वो खुश नहीं हो पाया। नाम बहुत था, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन अंदर से जब हम खाली होते हैं तो संसार की महानता कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें संतुष्ट कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर के साथ हम जब मिल जाते हैं तब जाकर ही हम अंदर से शांत हो जाते हैं और हमें संसार के अनुसार महानता ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज के जमाने में भी लोग झूठी महानता के पीछे भाग रहे हैं, संसारिक महानता के पीछे भाग रहे हैं। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार की झूठी महानता ऑफर किया था, ले लो, प्रभु ने कहा, शैतान ने कहा, यीशु मसीह से बोला, ले लो पूरा संसार मैं तुमको दे दूंगा, बस तुम मुझे प्रणाम कर दो। पर यीशु मसीह ने ये शैतान की बातों में नहीं फंसे। लेकिन आज मनुष्य जब पाप में पड़ा हुआ है तो संसार में संसारिक महानता के पीछे भाग रहा है और कभी संतुष्टि हासिल नहीं करेगा। और आज के वचन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मरकुस के रचित सुसमाचार में जब बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं, अब एकदम से यीशु मसीह ने अपने सेवकाई काल के अंत में यीशु मसीह ने चमत्कार करना बंद किया और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को गहरी शिक्षा, राज्य की शिक्षा देना शुरू किया और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बातचीत करना शुरू किया। सुनिए, ऐसे लिखा है 9:31 में, जब वो कफरनहूम पहुंचे और जब वे अपने 9:30 में आते हैं, फिर वे वहां से निकले और गलील में से होकर जाने लगे। वह नहीं जानता था कि किसी को इसका पता लगे, क्योंकि वह अपने चेलों को शिक्षा दे रहा था। अब देखिए ध्यान से, यीशु मसीह अपने सेवकाई काल के अंत में अपने चेलों को चमत्कार करना दुनिया के लिए बंद कर दिया, केवल अपने चेलों को गहरी गहरी बातों की शिक्षा देना शुरू किया और कह रहे हैं, शिक्षा दे रहा था और उन्होंने बताया और उन्हें बता रहा था, यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वे मार डाले जाने के 3 दिन के बाद वो फिर जी उठेगा। पर लिखा है यहां पर यीशु मसीह अपने मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के बारे में उनको बता रहे हैं, लेकिन चेले लोग सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि चेले लोगों का मन अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ है। लिखा है, परंतु वे इस बात को समझ ना सके और उससे पूछने से भी डरते थे। यीशु मसीह उन लोगों से अपने मरने की बात कर रहे हैं, अपने बलिदान की बात कर रहे हैं, लेकिन देखो 33 में क्या लिखा है, 9:33 में आप देखोगे, लिखा है, फिर वे कफरनहूम पहुंचे और जब वे घर में था तो उसने उनसे पूछा, मार्ग में तुम किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे? यीशु मसीह रास्ते में चल रहे हैं, चेले साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह उनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये चेले लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं।
यीशु उनको घर पहुंचने के बाद बोलते हैं, तुम रस्ते में किस बात को लेकर तुम चिंता कर रहे थे? परंतु वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से महान कौन है। चेलों के बीच में भी, यीशु के साथ 3 साल रहने के बाद भी, वो लोग आपस में इसी बात में लगे हुए हैं, हम में से बड़ा कौन, हम में से कौन ज्यादा महान है, हम में से किसका नाम ज्यादा है, हम में से किसके पास ज्यादा पावर है, हम में से कौन है जिसको यीशु मसीह ऊंचा स्थान देगा। तो ये संसारिक महानता के पीछे यीशु के चेले भी पड़े हुए थे जब तक कि पवित्र आत्मा ने उनकी आंखों को नहीं खोला था। तो यीशु मसीह ने उनको डांटना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने उनके साथ धीरज रखा और प्रभु उनसे पेशेंटली ट्रीट करते हैं, प्रभु उनके साथ धीरज के साथ प्रभु उनके साथ व्यवहार करते हैं। और लिखा है बैठने के बाद 35 में देखिए, 9:35 सब लोग देख लीजिए। बैठने के पश्चात उसने उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई प्रथम स्थान चाहे तो वह सबसे अंतिम हो जाए और सबका सेवक बन जाए। प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपनी मृत्यु बलिदान की सच्चाई के बारे में सिखाना चाहते हैं। चेलों का ध्यान प्रभु की शिक्षा पर नहीं है, अपने लिए नाम कमाने पर उनका ध्यान है। प्रभु ने कहा, मैं इन्हें अपने मृत्यु के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मैं इनको ये सिखा दूं, ये लोग नाम कमाना चाहते हैं, नाम महान होना चाहते हैं, मैं इनको बताता हूं कि महान होने का मतलब क्या है। और फिर यीशु मसीह ने उनको सिखाया महान होने का अर्थ क्या है। और प्रभु ने कहा, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सच्ची महानता का मतलब क्या है? सच्ची महानता सबका सेवक बनने में है। सच्ची महानता अपने लिए नाम कमाने में नहीं, अपने लिए दौलत और शोहरत कमाने में नहीं, सच्ची महानता संसार में ऊंचा रुतबा हासिल करने में नहीं। अगर हम सही मायने में महान होना चाहते हैं, तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहली शिक्षा दी है, आज हम इसको सीखते हैं। सच्ची महानता क्या है? सच्ची महानता सबका सेवक बनने में है, सबका दास बनने में है, सबका नौकर बनने में है। दूसरों की सेवा करने में हम महान होते हैं, सेवा करवाने में महान नहीं होते, परंतु सेवा। आशा कि आप सब लोग, सवाल उठता है, क्या हम सबका सेवक बनना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं? क्या हम सबका सेवक करें, या यही इच्छा है कि लोग हमारी सेवा करें, लोग हमें प्रणाम करें, लोग हमें सलाम करें, लोग हमारे नाम की तारीफ कर, तो नहीं है भाई? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, यानी किसी का माइक भी ऑन है? हाँ जी, आई होप कि मेरी आवाज अब अच्छे से आएगी। ठीक है मेरी आवाज? हाँ जी भाई, अब सब सही है। तपती को किसी का माइक ऑन है, स्विच ऑफ कर देना प्लीज। हाँ, वो तपती का माइक था, मैंने कर दिया म्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महानता किस चीज में है? महानता सबका सेवक बनने में है, महानता सेवा करने में है। मेरे पीछे बोलिए, सच्ची महानता, सच्ची महानता सबका सेवक बनने में है, सबका सेवक बनने में है। जो सेवक होता है ना, उसका काम होता है कि जो उसे काम दिया गया वो उस काम को पूरा करे, ना कि ताकत को हासिल करे। जो सेवक होता है वो लगन के साथ, वफादारी के साथ काम करता है। जो सेवक होता है वो आज्ञा मानता है, और यीशु मसीह इस प्रकार का सेवक बनने में हमारा हमारा वो मॉडल है, हमारे लिए वो जिसके समान हम बनना चाहते हैं। यीशु मसीह वो सिद्ध सेवक है जिसके समान हम बनना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूं। और बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जो परमेश्वर था, तो भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने की बात नहीं समझा, उसने अपने आप को दीनहीन कर लिया, उसने अपने आप को शून्य कर लिया, और वो मनुष्यों का सेवक बन गया। और बात है, सबका सेवक बनने को यहाँ पे यीशु मसीह ने सबका सेवक बनने के लिए कहा है। बीइंग अ सर्वेंट ऑफ ऑल, हम नहीं चुन सकते कि हम किसकी सेवा करेंगे। यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार, यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार हमें सबका सेवक बनना है। मतलब हम नहीं चुनेंगे कि अच्छा, जिनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती है ना, मैं उनकी सेवा करूंगा, जो लोग मेरी अच्छी
बात मानते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, बस मैं उन्हीं की सेवा करूंगा। जिनके साथ मेरा अच्छा रिश्ता है मैं उनकी सेवा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम सबके सेवक बन जाओ। अब सबके अंदर वो लोग भी आते हैं जो हमारी सेवा के योग्य नहीं है, जो हमारी सेवा के लायक नहीं है। वो लोग जो हमसे नफरत करते हैं उनकी भी हमें सेवा करने को तत्पर रहना है। वो लोग जो हमें पसंद नहीं करते उनकी भी हमें सेवा जब करने का मौका मिले तो हमें सेवा करनी है। प्रभु यीशु मसीह का हरेक शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। हम नहीं चुन सकते हम किसकी सेवा करेंगे। पहली बात सबके सेवक बन, पहली बात सेवक बन जाओ। दूसरी बात सबके सेवक बन जाओ। चुन नहीं सकते तुम कि तुम मैं उनकी, ठीक है मैं सबकी सेवा करूंगा उसकी नहीं करूंगा क्योंकि वो आदमी मुझे पसंद नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हम सबकी सेवा करेंगे। यीशु मसीह को मालूम था कि यीशु का एक चेला धोखेबाज है। हमारे दुनिया में लोग हमें बहुत धोखा देते हैं और हम अपने धोखा देने वालों से दूर रहना चाहते हैं, दूर रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कौन सा चेला यीशु मसीह को धोखा देगा। लेकिन जब प्रभु ने पैरों को धोया अपने चेलों के, तो यीशु मसीह ने उस धोखेबाज के पैरों को भी धोया। यीशु मसीह ने उसकी भी सेवा की। मतलब हमें, हमारे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, हमारे सर्कल में, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन सबका सेवक बनने के लिए मुझे तैयार रहना होगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम सेवक बनना चाहते हैं? क्या इस प्रकार की महानता हम खोज रहे हैं? आगे देखते हैं क्या हुआ। 35 में लिखा है, हाँ, बैठने के पश्चात उसने अपने चेलों को बुलाया और उनसे कहा यदि कोई प्रथम स्थान चाहे तो वो सबका, वो सबसे अंतिम हो जाए, सबसे लास्ट हो जाए और वो सबका सेवक बने। 36 वचन सब लोग देखिए, 36 वचन अपनी बाइबल में, उसमें ऐसे लिखा है कि तब उसने एक बच्चे को लेकर उसके मध्य में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से किसी एक बच्चे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वो मुझे नहीं परंतु मुझे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अब सब लोग ध्यान से सामने देखिए मुझे, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर बच्चे का मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर महानता के विषय में सिखा रहे हैं। तो प्रभु ने जब बच्चे को लिया तो क्या प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मतलब हमें सिर्फ बच्चों की सेवा करनी चाहिए? इसका मतलब सारी महिलाओं की सेवकाई व्यर्थ है, सारे पुरुषों की सेवकाई व्यर्थ है? इसका मतलब हमारा चर्च भी नहीं होना चाहिए? इसका मतलब चर्च में तो खाली सत्संग में सिर्फ बच्चों को आना चाहिए? क्या मतलब है यहाँ बच्चों से, क्या मतलब है यहां से? यहां पर जब यीशु मसीह छोटे बच्चों की बात करते हैं, यीशु मसीह दो प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं। पहला, वो लोग जो विश्वास में हमसे नए हैं। हम लोग विश्वास में 6 साल हो गए, कोई 1 साल हो गया विश्वास में, विश्वास जो विश्वास में बच्चे हैं, जो विश्वास, जो साधारण लोग हैं, जो विश्वास में अभी नए नए विश्वास में आए हैं वो। और दूसरा, यीशु मसीह उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो लोग हमसे छोटे रुतबे के लोग हैं। क्योंकि संसार में कौन है बड़ा? जिसका रुतबा बड़ा है, जिसका नाम बड़ा है, जिसका, जिसकी औदा बड़ा है, जो बहुत ऊंचा, जो अच्छे से जाना माना व्यक्ति है संसार में, वो महान है। लेकिन समाज में किस प्रकार के लोग भी हैं? वो लोग जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जब यीशु मसीह ने कहा जब तुम उनका स्वागत करते हो तो तुम महान हो सकते हो। तो अपनी स्क्रीन पर देखिए दूसरी शिक्षा, सच्ची महानता सह विश्वासियों का स्वागत करने में है, सह मसीहियों का स्वागत करने में है। खासतौर पे वो वाले मसीही जो विश्वास में नए हैं, खासतौर पे वो मसीही जो हमसे गरीब हैं, जो साधारण हैं, जो सिंपल हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हमारे जैसे घरों में नहीं रहते, जो हमसे भी ज्यादा गरीब हैं, साधारण लोग हैं, उनके प्रति तुम्हारा रवैया क्या है? जब तुम उनका स्वागत करते हो, जब तुम दूसरे विश्वासियों की चिंता करते हो, तब तुम मुझसे कहा तब तुम मेरा स्वागत करते हो। आप ध्यान से सुनिए, दो प्रकार के लोग प्रभु ने बच्चों के लिए कहा। बच्चे वो हैं जो विश्वास में नए हैं और साधारण लोग हैं। यीशु ने कहा जब तुम उनका स्वागत करते हो तो तुम मेरा स्वागत करते हो, और जब तुम मेरा स्वागत करते हो तो तुम मेरे भेजने वाले पिता का स्वागत करते हो। अगर आप सचमुच में महान होना चाहते हैं तो केवल धरती पर, जो मैंने कुछ लोगों के अंदर इस आदत को देखा है,
हम सब अपने अंदर इस आदत को देख सकते हैं। जो ज्यादा अमीर हैं, जो ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ने में हम बहुत रुचि रखते हैं। यार उनके साथ बना के रखेंगे, वो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमें अपनी पहचान भी उन लोगों से मिलती है बहुत बार, जो कि पाप है। हमें अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह के दास होने में मिलनी चाहिए, ना कि इस बात में कि हम बड़े लोगों को जानते हैं और हमारी उनको हम व्हाट्सएप करते हैं, उनका स्टेटस हम चेक करके उनको मैसेज लिखते हैं, उनके साथ फोटो खींच करके डालना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि उनके साथ मेरी दोस्ती है, जिन्हें इंग्लिश बोलनी आती है, जो गोरी चमड़ी के लोग हैं। मैंने देखा है लोगों के अंदर इस बात को कि ऊंचे ऊंचे पदवी के लोगों के साथ जब तक दोस्ती नहीं होती तब तक खाली खाली लगता है, और अपना स्टेटस पाना चाहते हैं कि मेरी दोस्ती उनसे होनी चाहिए। लेकिन सच्ची महानता इसमें नहीं है, बल्कि इसमें आप अंदर से खोखले हैं, तभी आप बड़े लोगों के साथ दोस्ती करके आप वहां से शांति पाना चाहते हैं। नहीं मिलेगी शांति। हो सकता है जिसको आप देखते हैं वो भी अपने से ऊपर किसी को देख रहा है, आप भी खाली वो भी खाली। इसलिए प्रभु को देख करके हमें संपूर्ण होना है, प्रभु को देख करके हमें कंप्लीट होना है। प्रभु के साथ संबंध रखने से हम पूरे हो जाते हैं, मनुष्यों के साथ संबंध रखने से नहीं। हमें मनुष्यों की केवल सेवा करनी है, और विशेष रूप से उनकी जो हमसे छोटे लेवल पे है, जो हमसे छोटे हैं, हमसे कम है, नए विश्वासी हैं, गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। क्या ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं? क्या ऐसे लोगों के साथ हम संगति करते हैं? क्या ऐसे लोगों को हम अपने घरों में बुलाते हैं? क्या ऐसे लोगों को हम अपने अपनी पार्टियों का हिस्सा बनाते हैं, अपने जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी का हिस्सा बनाते हैं? क्या उन्हें अपने घरों में हम स्वागत करते हैं? क्या उनके उनका स्वागत अपनी कलीसियाओं में हम करते हैं? क्या हम ढूंढते हैं, तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम उनकी सेवा कर सकें, कैसे हम उन्हें आशीषित कर सकें? प्रभु ने कहा जब तुम छोटे से छोटों के साथ जो तुमने किया मेरे साथ किया। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया तुमने मेरे साथ किया, और जो तुमने मेरे साथ किया तुमने पिता के साथ किया। और इसलिए बाइबल हमें रोमियो 12 में, बाइबल के अन्य स्थानों पे हम देखते हैं, बाइबल हमें हॉस्पिटैलिटी सिखाती है, बाइबल हमें आवभगत करना सिखाती है, मेहमान नवाजी करना सिखाती है, घर में आए लोगों को बिना खाना खिलाए मत भेजो ये सिखाती है, घर में आए लोगों का इज्जत सम्मान करो ये सिखाती है, घर में आए लोगों को उनकी केयर करो, उनको पूछो उन्हें क्या चाहिए, कलीसिया में आए लोगों की चिंता करो। हम लोग कलीसिया में आते हैं तो किसी को मिलते भी नहीं, हम कैसे प्रभु के लोग हो सकते हैं? अगर आप सचमुच में महान हैं, महान बनना चाहते हैं, तो आप सह विश्वासियों के साथ सबके साथ बना के रखेंगे, केवल आपसे ऊपर वालों के साथ नहीं, लेकिन आपसे नीचे वालों के साथ भी। जितनों को समझ में आ रहा है अपना हाथ उठा करके दिखा सकते हैं। और तीसरा, अगली देखते हैं बाद में क्या हुआ। संसार में बड़ा नाम कमाना ये चेलों को भी अच्छा लगता था, तो चेले क्या हुआ, इस बात को बड़े ध्यान से नोट करें, आप लोग बहुत इस बात को इंटरेस्टिंग समझेंगे। चेले लोग प्रभु यीशु के साथ 3 साल तक रहे, उनको लगता है कि अच्छा यीशु के साथ हमारा तो टॉप आदमी के साथ लिंक है भैया। अब यीशु मसीह जब राजा बन, उनको लगता था कि यीशु मसीह राजा बन जाएगा, संसारिक राजा, तो उनको लगा था कि जब यीशु मसीह राजा के रूप में घोषित किया जाएगा शायद यीशु मसीह यरूशलम में राजा बनने के लिए जा रहा है, जबकि यीशु मसीह यरूशलम में मरने के लिए जा रहा था। उनको लगा जब यीशु मसीह राजा बनेगा तो हमें ऊंचे ऊंचे पद मिलेंगे, यीशु मसीह राजा बन जाएगा तो हम छोटे छोटे मंत्री बन जाएंगे, हम भी बड़े लोग हो जाएंगे। एक की तो दो की तो मां ने आके यीशु मसीह को बोला, जब तू राजा बनेगा ना मेरे बेटों को, एक को अपने दाहिनी ओर बिठाइयो, एक को अपने बाएं ओर बिठाइयो। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे पिता का है, ये दान पिता की ओर से मिलता है, क्या तुम उस दुख के प्याले को पी सकते हो जो मैं पीने जा रहा हूं? और यहां पर चेले लोग संसारिक महानता के पीछे पड़े हैं। यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे, खाया पिया, चले फिरे, घूमे फिरे, सेवकाई करी, शिक्षा दी, सब कुछ किया, तो उनको लगा वो बड़े आदमी बन चुके हैं। तो बगल में दूसरे नगर में कोई और प्रभु के नाम से चमत्कार कर रहा था, तो उनको जलन होने लगी। अभी आपको समझ में आएगा। 37 देखिए, 38 देखिए, 38 वचन, आई वॉन्ट कि आप इस चीज को जरूर नोट करें, 38 वचन 9 का 38।
यूहन्ना ने उनसे कहा, हे गुरु, हमने किसी और को तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हुए देखा है और उसे रोकने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो हमारा साथी नहीं है, हमारी टीम का नहीं है प्रभु, लेकिन देखो आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। परंतु यीशु ने कहा, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करे इसके तुरंत बाद मेरे बारे में बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ है। आपने देखा यहाँ पे चेलों को क्या हो रहा है, चेलों को लगता है बस हम ही बड़े हैं, हम ही हैं जो सेवा कर सकते हैं और कोई सेवा नहीं कर सकता, वो जल उनको जलन हो रही है। झूठी महानता के पीछे जब पड़े होते हैं ना हम सब, जब संसारिक महानता के पीछे पड़े होते हैं तो हम दूसरों की महानता या दूसरों की सेवा को भी हम झेल नहीं सकते, और ये चीज कलीसिया के अंदर भी उतर आ सकती है। जब हम सोचते हैं अच्छा डीबीएफ चर्च ही है बस एक अच्छा चर्च, बाकी सब चर्च बेकार है, यीशु नाम सत्संग ही सबसे अच्छा सत्संग है, बाकी और कोई सत्संग अच्छा सत्संग नहीं है, हमारा ही पास्टर अच्छा प्रचार कर सकता है, बाकी और किसी पास्टर का प्रचार हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा पास्टर ही सबसे अच्छा पास्टर है, इस प्रकार का हम घमंड करने लगते हैं, हमें लगता है कि हमें ही सब कुछ आता है। डीबीएफ कलीसिया को लग सकता है कि अच्छा सबसे अच्छा बाइबल शिक्षक तो डीबीएफ के अंदर ही है, पेंटिकॉस्टल चर्च वालों को कुछ नहीं आता, सीएनआई चर्च वालों को कुछ नहीं आता, मेथोडिस्ट वाले नरक में जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ कहना चाहते हैं और दूसरों की सेवकाई की हम कदर नहीं करते, जो सेवकाई कोई और कर रहा है प्रभु के नाम से उसकी हम कदर नहीं करते। लेकिन जो अगर आप सचमुच में महान बनना चाहते हैं प्रभु की नजर में, तो अपनी स्क्रीन पर देखिए आज की तीसरी और आखिरी शिक्षा, सच्ची महानता दूसरे मसीहियों के साथ एकता रखने में है। हम जब इस बात की तारीफ करें कि गुड़गांव में खाली यीशु नाम सत्संग और डीबीएफ चर्च नहीं है जो खुदा का राज्य फैला रहा है, कम से कम 80-90 छोटे छोटे चर्च हैं जो मिलकर इस शहर में प्रभु के राज्य को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड है, खासतौर पे मेरे और हम जो पास्टर लोग हैं, अगर हमारे अंदर घमंड आ जाए हम ही है डीबीएफ चर्च सबसे अच्छा चर्च है, तो हम सचमुच में संसारिक महानता के पीछे पड़ गए कि हमारा नाम, हमारे पास बिल्डिंग है और चर्च के पास बिल्डिंग नहीं है, हमारे पास पैसा भी है जबकि नहीं है, हमारे पास सत्संग के पास तो कम से कम नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, देखो हमारे पास बपतिस्मे का टैंक है, लोग तो जाकर के नदी में जाके बपतिस्मा लेते हैं, हमारे पास तो अपना बड़ा अच्छा टाइल लगा हुआ टैंक है बड़ा सुंदर, हम ही है सबसे अच्छा चर्च, हमें हमारे ही पास्टरों को प्रचार करना आता है डीबीएफ के पास्टरों को, बाकी पास्टरों को कुछ नहीं आता जाता। लेकिन अगर हम प्रभु के लोग हैं ना, तो हम इस बात को समझेंगे कि प्रभु का राज्य जो है वो छोटी छोटी कलीसियाओं के साथ मिलकर बनकर प्रभु का राज्य बनता है। प्रभु की जो कलीसिया ना संसारिक कलीसिया, उसमें छोटी छोटी कलीसियाएं भी आती हैं जिसमें 10 लोग आते हैं, 15 लोग आते हैं, छोटी सी कलीसिया, लेकिन वो प्रभु को पसंद है और हमारे दिल में उस कलीसिया के लिए तारीफ होनी चाहिए, हमारे दिल में उस कलीसिया के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि वो भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और उनके साथ एकता बनाए रखने में, और हर किसी की छोटी से छोटी सेवा प्रभु इनाम देगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई प्रभु के नाम से पानी तक पिला देगा उसको भी इनाम मिलेगा, अगर कोई प्रभु के नाम से किसी को पानी तक पिलाएगा उसको भी इनाम मिलेगा। तो सोचिए छोटी छोटी कलीसिया तो इससे कहीं बढ़कर सेवा कर रही है, लोग प्रभु में आ रहे हैं, लोग पापों को छोड़कर यीशु मसीह का रास्ता अपना रहे हैं, तो छोटी छोटी संगतियां क्या ऐसी, क्या क्या उनकी कोई मान्यता नहीं है? परमेश्वर घरों में चलने वाली छोटी छोटी कलीसियाओं को आज क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खाली हो गई, 4 महीने हो गए, शायद 6 महीने और खाली पड़ी रहेंगी, प्रभु ने सब बड़ी बड़ी कलीसियाओं का घमंड तोड़ दिया, बड़ी बड़ी जमीन जिनके पास है उनका घमंड तोड़ दिया, अच्छे अच्छे माइक जिसके पास अच्छा माइक सिस्टम है उनका घमंड, आज कोई माइक नहीं चाहिए, मैं बिना किसी माइक के प्रचार कर रहा हूँ, अच्छा साउंड सिस्टम रखने वालों का घमंड तोड़ दिया, अच्छी वर्शिप टीम रखने वालों का घमंड तोड़ दिया, क्योंकि हम बड़ी चीजों से बड़े नहीं बनते, हम शुद्ध चीजों से बड़े बनते हैं, हम प्रभु के सुसमाचार से बड़े बनते हैं, हम दूसरों की सेवा करने में बड़े बनते हैं। इसलिए ध्यान रहे, हमें दूसरी कलीसियाओं के साथ मिलकर काम करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि झूठी शिक्षा और अलग शिक्षा में फर्क होता है।
देयर इज अ फॉल्स टीचिंग एंड देयर इज अ डिफरेंट टीचिंग. एक है झूठी शिक्षा जो कि सरासर गलत है, उनके साथ दोस्ती नहीं करनी. लेकिन जो थोड़ा सा अलग सिखाते हैं, हमारे विश्वास करने से थोड़ा सा अलग उनका विश्वास है, उनके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं. कुछ लोग अन्य भाषा पे विश्वास नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, तो इन दोनों कलीसियाओं को मिलकर के काम करना चाहिए. ठीक है, आप अन्य भाषा को लेकर जो भी विश्वास करें कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए हम एक हैं. और ऐसी सोच होना, मिल एकता की सोच होना बहुत बहुत जरूरी है. इवेंजेलिकल्स को लगता है कि सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसियाओं को हम सबसे श्रेष्ठ हैं, पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं को कुछ नहीं आता. और पेंटिकॉस्टल कलीसिया सोचे इन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, वो भी बहुत बहुत गलत है. सब प्रकार की कलीसियाओं को मिलकर काम करना सीखना है, सबकी सेवकाइयों की इज्जत करना, सबकी सेवकाइयों का रोल रिकॉग्नाइज करना हमें आना चाहिए. ओके, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे महानता के विषय में सिखा रहे थे. सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं है. आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हम में से बड़ा कौन, हम में से किसका नाम ज्यादा अच्छा है, हम में से कौन ज्यादा बड़ा है. प्रभु ने कहा मैं तुमको सिखाता हूं सच्ची महानता किस चीज में है. अगर तुम महान बनना चाहते हो सबका सेवक बन जाओ. अगर तुम महान बनना चाहते हो तो छोटे छोटे लोगों का स्वागत करो, गरीब लोगों का स्वागत करो, विश्वास में नए लोगों का केयर करो, तो तुम महान बन जाओगे. और अगर तुम महान बनना चाहते हो अपने आप को बड़ा मत समझो, दूसरे लोगों की सेवकाई की भी इज्जत करो. जो दूसरी कलीसियाएं हैं उनके साथ मिल करके काम करो. सबके प्रभु के राज्य में जो कोई पानी पिलाने तक की भी सेवा कर रहा है उसकी भी इज्जत करो, क्योंकि उसको भी इनाम मिलेगा. अपने आप को बड़ा मत समझो, बाइबल भी सिखाती है दूसरों को अपने से बेहतर समझो. अब मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा और आप लोगों से पूछता हूं, क्या इस प्रकार की महानता के पीछे आप लगे हैं? क्या आप महान बनना चाहते हैं? इस तरह की महानता क्या आपको चाहिए? क्या आप इस तरह की महानता, क्या आप सबका सेवक बनना चाहते हो, या आप चाहते हो कि लोग आपकी सेवा करें, आपका नाम ऊंचा हो जाए, आपको लोग धन्य कहें? क्या आप दूसरों का स्वागत करते हो? क्या आप नए विश्वासियों की चिंता करते हो? क्या आप केवल अपने से ऊंचे रुतबे वालों के साथ दोस्ती बना के रखना चाहते हो और अपने से छोटे रुतबे वालों के साथ आप अपने आप को काटना चाहते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं शर्म आती है उन लोगों के साथ मित्रता रखते हुए? और क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हो? क्या आप दूसरों की सेवकाई से जलते हो, दूसरों के अच्छे कामों से जलते हो? अगर आप सचमुच में महान होना चाहते हो तो सबका सेवक बनोगे, छोटे लोगों के साथ संगति करोगे, साधारण लोगों के साथ, नए विश्वासियों के साथ संगति करोगे, उनका स्वागत करोगे, और आप सबके साथ एकता में रहोगे, दूसरी कलीसियाओं के साथ, प्रभु के पूरे जो देह है संसार में, जो प्रभु की देह है, जो प्रभु के लोग हैं, उनके साथ संगति बना के रखोगे, यही है सच्ची महानता. और मेरी उम्मीद है कि आप इस तरह की महानता में आप जरूर भाग लेंगे, इस तरह की महानता के लिए आप मेहनत करेंगे. प्रभु हम सबको आशीष दें.